देखो कर्ज जो लिया जाता है वो विकास के लिए लिया जाता है, हर सरकार लेती है, कोई मध्य प्रदेश अकेले की सरकार नहीं है। विपक्ष का काम है आलोचना करना और उनको कुछ जो अच्छा है वो दिख नहीं रहा है, कहता इसलिए तो आज विपक्ष की स्थिति है कि वो 60 सीटों पर पहुंच गए हैं। देखो कर्ज जो लिया जाता है वो विकास के लिए लिया जाता है और कहीं ना कहीं आप देखें बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब लोग कर्ज लेते हैं, तो निश्चित रूप से विकास के लिए लिया जाता है और जो केंद्र ने कर्ज की सीमा तय की है उसी के अनुरूप सरकार कर्ज ले रही है और ये हर सरकार लेती है, कोई मध्य प्रदेश अकेले की सरकार नहीं है। तो मुझे लगता है विपक्ष का ये आरोप निराधार है और विपक्ष का काम है आलोचना करना और उनको कुछ जो अच्छा है वो दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। विपक्ष इस प्रकार के निराधार आरोप लगाता रहता है, इसलिए तो आज विपक्ष की ये स्थिति है कि वो 60 सीटों पर पहुंच गए हैं। विधानसभा में जवाब में आया ना, तो जवाब में लगा है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं की संख्या कम हुई है, अपात्र महिलाओं की, उसमें 21 साल की वो थी जो पिछले उसमें, पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 18 साल की लड़कियों को भी शामिल करें। अभी तो हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सर कैग की रिपोर्ट में ये तमाम सारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं कि गलत तरीके से सरकार ने खर्च किया, डाले हुए हैं, विकास कार्यों में डाले हुए हैं, खर्च उल्टा सीधा होता है, ये सीएम की रिपोर्ट हुई है। ये सब आरोप निराधार हैं और जो रिपोर्ट है वो आप सबके सामने, ऐसी कोई बात है नहीं। सीएम की रिपोर्ट गलत है क्या? वो मुझे लगता है कि गलत ही होना चाहिए।